हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलिया सर, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से बात करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज हमें पता है 11 तक हमें आनी चाहिए, तो उसको हमने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के पार्ट में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए स्टार्ट करते हैं विद डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हमें ये बताती है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8, देन द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। मतलब कोई भी नंबर जो आपको दिया है, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो या 8 आता हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पूरा नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है 280, तो इसका यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है, तो इसका यूनिट प्लेस पर नंबर है 0। तो 0 अगर आता है तो ये 280 भी जो है 2 के टेबल में आएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है हमारे पास 5, 2805 ये नंबर है, यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। तो 5 अगर आता है तो हमें पता है हमें नंबर चाहिए या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या 8, पर उनमें से कोई भी नहीं है। तो 5 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर्स हमें चाहिए, तो ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 280 होता है ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 5,27,656, यूनिट बेस पर क्या है तो 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। एक सेकंड में आप बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, सिर्फ नंबर देखना है और डिसाइड करना है। एक और नंबर लेते हैं, सपोज 91, इसका यूनिट प्लेस क्या है 1, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा पूरा नंबर 91। दैट्स इट, यही डिविजिबिलिटी टेस्ट है 2 की, जो हमें बताती है कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है और कौन सा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी क्या है, जो नंबर आपको दिया है अगर उनके डिजिट का एडिशन 3 से डिवाइड होता है तो सारा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर दिया है 303, तो ये जो डिजिट्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे, 3 + 0 + 3, 3 + 0 = 3 and 3 + 3 = 6। अब 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है क्या? यस, आता है, तो 303 भी जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 2805, तो 2 + 8 + 0 + 5, 2 + 8 हो गया 10, 10 + 0 = 10 and 10 + 5 = 15, तो 15 जो है वो 3 के टेबल में डिविजिबल है, तो ये सारा नंबर भी जो है वो 3 के टेबल में आ जाएगा। ये है हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, 1,27,169, तो 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 1 इस तरह से लेते, तो 1 + 2 हो गया 3, 3 + 7 = 10, 10 + 1 = 11, 11 + 6 = 17, 17 + 1 हो गया 18, तो 18 3 के टेबल में आता है क्या? तो यस, तो ये सारा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 52। अब 52 में दो डिजिट है 5 और 2, इनको ऐड कर लेंगे, 5 + 2 = 7, 7 3 के टेबल में आता है क्या? तो नहीं, तो 52 भी जो है वो 3 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 समझते हैं। If the last two digit of the given number is divisible by 4, then the number is completely divisible by 4. अगर किसी भी गिवन नंबर के लास्ट के दो डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो वो सारा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2804, लास्ट का नंबर क्या है 04, तो 04 4 से डिविजिबल है, तो ये सारा नंबर भी 4 के टेबल में आ जाएगा। वैसे ये 2 से भी डिवाइड होता है अगर आप देखें, क्योंकि 02468 यूनिट प्लेस पर आता है, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी। नेक्स्ट 3036, लास्ट नंबर क्या है 36, लास्ट टू डिजिट, ठीक है, तो 36 4 के टेबल में आता है क्या? तो 36 तो आता है, 4 9 36, तो ये सारा नंबर भी 4 के टेबल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज 2,17,163, अब 63 4 के टेबल में आता है क्या, या 4 से डिविजिबल है क्या? तो नहीं, 63 तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 924, लास्ट के टू डिजिट है 24, 24 टू के टेबल 4 के टेबल में आता है क्या? तो यस, 4 6 24, तो ये सारा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है, हम ऐसा बोल सकते हैं। आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2,
थ्री फोर बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फाइव की तरफ। यहाँ पर हमें बोला गया है इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ जीरो और फाइव देन द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फाइव। बहुत ही ईजी है, अगर लास्ट प्लेस पे जीरो आ रहा है या फाइव आ रहा हो तो वो फाइव से डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1884 लास्ट डिजिट पे क्या है फोर, तो ये तो नहीं होता है फाइव से। नेक्स्ट 6025 तो लास्ट डिजिट पे क्या है फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव से। नेक्स्ट है 97163 लास्ट डिजिट पे थ्री, नहीं होगा फाइव से क्योंकि हमें लास्ट डिजिट पे या तो जीरो चाहिए या तो फाइव। नेक्स्ट एक और नंबर लेते 225 लास्ट डिजिट पे क्या है यानी यूनिट प्लेस पर है फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव से। तो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फाइव कि अगर लास्ट डिजिट जो है हमारा जीरो या फाइव होता है तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा हमारा फाइव से। लास्ट हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ सिक्स। यहाँ पर हमें बोला गया है इफ़ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री बोथ देन द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सिक्स। अगर जो नंबर दिया है वो टू से भी डिवाइड होता है और थ्री से भी होता है तो वो सिक्स से भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 3804, अब ये लास्ट डिजिट है फोर यानी यूनिट प्लेस पर एक 02468 में से कोई नंबर चाहिए तो फोर आ रहा है, तो ये टू से तो हो जाएगा। ठीक है, टू से हो रहा है, थ्री से हो रहा है क्या देखते हैं। सो थ्री प्लस एट एलेवन, एलेवन प्लस फोर ये हो जाएगा फिफ्टीन, तो फिफ्टीन तो आता है थ्री के टेबल में, तो ये थ्री से भी हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सिक्स से भी हो जाएगा डिवाइड। तो ये नंबर को अगर आप सिक्स से डिवाइड करते हैं तो आपको एक कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो जो नंबर टू और थ्री से डिवाइड हो रहा है वो सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1045 लास्ट में क्या है फाइव, टू से होगा क्या, नहीं, तो सिक्स से भी नहीं होगा। दोनों से होना कंपलसरी है, टू से भी और थ्री से भी, एक से भी नहीं होगा तो वो सिक्स से भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5,10,360 लास्ट डिजिट है जीरो, तो टू से तो हो जाएगा ये। अब इनको ऐड कर लीजिए, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस सिक्स विल बी फिफ्टीन, फिफ्टीन तो आता है, तो ये थ्री से भी हो रहा है, तो ये सिक्स से भी हो जाएगा ये नंबर डिवाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 240 लास्ट डिजिट पे क्या है, तो हमारे पास है ज़ीरो, तो ये टू से तो हो रहा है, थ्री से होगा क्या, तो टू प्लस फोर कर लीजिए सिक्स, तो यस सिक्स आता है थ्री के टेबल में, तो टू से भी हो रहा है, थ्री से भी हो रहा है, तो ये नंबर सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ सेवन एट नाइन टेन एंड एलेवन। इस तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, टिल देन दिस इज़ इलियास सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।